आजमगढ़ पुलिस द्वारा खोए हुए कुल 139 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, कीमत लगभग 20 लाख रुपया किया गया बरामद। वर्ष 2024 में अब तक कुल 400 एंड्रॉयड मोबाइल फोन कीमत लगभग 61 लाख रुपया बरामद कर स्वामियों को किए जा चुके हैं सुपुर्द। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा माह फरवरी 2024 से गुमशुदा मोबाइल बरामदगी हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गुमशुदा मोबाइल धारकों द्वारा CIR पोर्टल पर ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज की जाती है। आजमगढ़ पुलिस द्वारा माह फरवरी, मार्च व अप्रैल 2024 में कुल 261 एंड्रॉयड मोबाइल फोन कीमत लगभग 41 लाख रुपये बरामद कर मोबाइल फोन स्वामियों को सुपुर्द किए जा चुके हैं, जिसके क्रम में माह मई 2024 में आजमगढ़ पुलिस द्वारा जनपद में खोए हुए कुल 139 एंड्रॉयड मोबाइल फोन कीमत लगभग 20 लाख रुपया को CIR पोर्टल के माध्यम से बरामद किया गया है। आज दिनांक 2 जून 2024 को रिजर्व पुलिस लाइन सभागार आजमगढ़ में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन द्वारा बरामद एंड्रॉयड मोबाइल फोन प्रत्येक मोबाइल फोन स्वामियों को सुपुर्द किया गया। इस तरह विगत 4 माह में कुल 400 एंड्रॉयड मोबाइल फोन कीमत लगभग 61 लाख रुपए को बरामद कर मोबाइल फोन स्वामियों को सुपुर्द किया गया है। सर, आजमगढ़ पुलिस ने कई मोबाइल बरामद किए हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, फरवरी माह से आजमगढ़ पुलिस द्वारा मोबाइल जो गुमशुदा हो जाते हैं उनकी बरामदगी के लिए अभियान चलाया था, जिसमें पिछले विगत 3 माह में हमने लगभग 261 फ़ोन रिकवर किए थे और इस माह में हमने 140 फ़ोन लगभग रिकवर किए हैं। टोटल 400 फ़ोन अभी तक रिकवर किए जा चुके हैं। ये सभी फ़ोन CIR पोर्टल के माध्यम से रिकवर किए गए हैं। जिन्होंने भी यूपी कॉप ऐप पे या फिर किसी भी माध्यम से थाने पे सूचना दी है, उनको CIR पोर्टल पे अपलोड किया गया है और उनसे ट्रैक करके हमने इन फ़ोनों को रिकवर किया है। इनका लगभग मूल्य 60 लाख रुपए है और इसी तरह प्रतिमाह अभियान चलाया जा रहा है। हर माह जितने भी फ़ोन रिकवर होते हैं उनको वितरित किया जाता है। सर, पब्लिक को ये जानकारी देना कितना ज़रूरी रहेगा कि वो मैनुअल तरीके के बजाय इस तरीके के पोर्टल पे वो जाकर रजिस्टर करें, उसके बारे में? बिल्कुल, पब्लिक से अनुरोध रहेगा कि कोई भी फ़ोन अगर आपका किसी भी कारण से खो जाए या चोरी हो जाए तो उस पर तत्काल थाने पर जाकर या फिर ऑनलाइन के माध्यम से CIR पोर्टल पर अपनी शिकायत अपलोड कर दें, जिससे कि हमारी ट्रैकिंग व्यवस्था में वो आ सके और जैसे ही उस पर कोई भी फ़ोन नंबर एक्टिव होता है हम लोग उसको ट्रैक कर सकें और उसको रिकवर कर सकें।